हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू पर कसा तंज, कहा राष्ट्रपति भवन में मूर्ति नहीं चाहिए। जी हां, तेजस्वी यादव से जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू पर तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन में हमें राष्ट्रपति बैठाना है, ना कि कोई मूर्ति। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज तक हमने कभी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा। भारत ने फिर रचा इतिहास, पूरा किया 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। जी हां, भारत ने कोविड 19 की लड़ाई में नया मुकाम हासिल कर लिया है। भारत ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत ने यह कदम 18 महीने में हासिल किया है। चीन के बाद भारत दूसरा देश है जिसने 200 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि 18 से 59 साल के आयु वर्ग के लोगों को अब तक कुल 1.06 करोड़ सतर्कता डोज लगाई गई है। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी, पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद। जी हां, संसद के शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तो वहीं विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद है। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बैठक बुलाई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सर्वदलीय बैठक का एजेंडा उन विषयों पर चर्चा करना होगा जिन मुद्दों पर विपक्ष संसद के सत्र के दौरान चर्चा करना चाहेगा। RBI ने कहा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीली बनी हुई है और महंगाई अपने हाल के चरम में होने के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनने की राह पर बने रहने की उम्मीद है। हालांकि RBI ने कोई ऐसी समय सीमा नहीं दी है। हरियाणा में 1 अगस्त से थोक मात्रा में पानी का खर्च पड़ेगा महंगा। जी हां, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने सतही जल के थोक उपयोग के लिए टैरिफ में वृद्धि को प्रभावी करते हुए रेलवे और सेना को थोक आपूर्ति सहित पीने के पानी के लिए 300% बढ़ोतरी की है। पीने के उद्देश्यों के लिए थोक पानी की कीमत 1 अगस्त से 100 रुपये प्रति 100 क्यूबिक मीटर होगी, जबकि मौजूदा टैरिफ 25 रुपये प्रति 100 क्यूबिक मीटर है। कानून मंत्री ने कहा आम आदमी अदालत में हर सुनवाई के लिए 10-15 लाख रुपए कैसे दे सकता है। जी हां, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने प्रमुख अधिवक्ताओं द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक कानूनी फीस पर चिंता व्यक्त की है। रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वकील हैं जिनकी फीस आम आदमी नहीं दे सकता। अगर वे प्रति सुनवाई के लिए 10-15 लाख रुपए लेते हैं तो एक आदमी इसे कैसे भुगतान कर सकता है। अब बिहार में रफ्तार की सवारी, 5 एक्सप्रेसवे को केंद्र की मंजूरी। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से बिहार से गुजरने वाली 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। ये एक्सप्रेसवे रक्सौल को हल्दिया, गोरखपुर को कोलकाता, बनारस को कोलकाता, आमस गया सिटी रोड को दरभंगा और पटना को पूर्णिया से जोड़ेंगे। नीतीश कुमार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एक समाचार चैनल को ये जानकारी दी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।